अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करना तो सारे बिरा ठीक हो सो खैर खरियत नाल हो सो। मैं सैयद उमैर तो तुसा पे यूट्यूब चैनल सराकी ब्लॉग ऑफिशियल। जुम्मे का टाइम थी वाला है, आज जुम्मे की निमार है, नेक निमार है। तो मैं दुआ करना जेड़े भाई जुम्मा नमाज नहीं पढ़ते अल्लाह पाक उन्हें हिदायत देवे जुम्मा पढ़ने की। तो कोशिश की करो कि सारे बिरा जुम्मा लाजमी पढ़िया करो। पहले तो पांच वक्त की नमाज पढ़ी करो बा जमात, नहीं तो जुम्मा लाजमी पढ़िया करो। जुम्मा बड़ा जरूरी है यार। तो एक बज के 15 मिनट थी गए, डेढ़ बजे जुम्मा नमाज सी। जुम्मा नमाज पढ़ के वाल शुरू करे सो मज़ेदार वीडियो। ये साड़ी बस्ती दे विच मेरे घर को दूर थोड़ा जहा दूर, मतलब के दूजे इलाके दे विच एक छोटी जी मस्जिद है, बड़ी खूबसूरत मस्जिद है। तो उनके विच मैं जुम्मा नमाज पढ़ने वेंदा पियां। तो हाल ही मैं रस्ते विच वदा, मैं पैदल ही संग मैं पियाँ कि मोटरसाइकिल पहली गल तो यह चलती नहीं, तुहाडे सामने सर्दी इतना ज़्यादा है कि मोटरसाइकिल नहीं चल सकती मेरे को, सर्दी बड़ी लगती है, ठंडी हवा गुली खड़ी है बहुत ज़्यादा। तो ही वास्ते मैं थोड़ा पैदल मैं के थोड़ा माहौल ही देख गिनसू, चेक करो किवें माहौल है साढ़े इलाके का। इतना कर बड़ा खूबसूरत माहौल होंगे। तो जहाँ अस कम तो वह ना सिंध आले पास या कराची आले पास, तो अस चीज़ को बड़ा मैं मतलब मिस करने, बड़ी याद आती है सबको अपने इलाके की, लेकिन क्या करूँ मजबूरी है कम तो करने ना। अच्छा बई तो गल दसा कि शहर का माहौल भी हो सवे, लेकिन जो सा देहात का माहौल है ना चेक करो कितना खूबसूरत है। और इनकी आबो हवा जी है बड़ी क्लियर नैचुरल कुदरती हवा है, मज़ा आता एक दफा। तो ना कोई मतलब के धुएंदार, ना फैक्ट्रियों का गर्दो गुबार, ना कोई शह, प्योर हवा आती है, ना कोई बीमारी इतना के मतलब के आ सकती है जल्दी, तो ना कोई जा। शहरी लोग पता नहीं किमें रह गिंदन यार, मेरा तो दिल नहीं लगता उतना शहर के घुटन महसूस थी, खुला खुला माहौल दे आदि हैं। खैर हर कहीं अपना रहन सहन होंगे। खैरी बिरावे कलो मेरे को एक छोटा जहा सवाल पूछने अगर नाराज़ ना थी वेंता, वो मैं वो ये है कि मैं पूछना चाहना कि यार तुसा शहर के रेंदे वे निक्के निक्के गलियां हो जाए, टप्पण की जा कहनी होती ना, मोटरसाइकिल की सारे नालियाँ तो ये वो गंदगी सारी होती है, तो घुटन महसूस नहीं थी, मतलब कि तुहाडा दिल किवें मनेंदे कि तुसा उत्थे के रेंदे वे? साडा तो नहीं मनेंदा, असा तो खुले माहौल दे आदि यार, हिम्मत वाल भी तुहाडी यार तुसा रेंदे वे शहर में सोड़े सोड़े गलियों में। अच्छा फाइनली मैं पहुँच चुका मैं अपनी मस्जिद के जिथा कर मैं हर जुम्मा पढ़ता हूँ ना, अगर घर आवा तो ये क्या इतना कर तो कोई है ही गया ना। ओहो मैं लगते वक्त ही आ गया, चल खैर है कोई नहीं, इन भी कोई चंगा ही हो सी। अच्छा तो कोई मजे की गल दसावा, मैं उतो कर चूहर खड़ा उन्हें को पूछे कि यार जुम्मा कितनी बजे थी, उन्हें मेरे को आखे कि डेढ़ बजे थी, मैं हूँ एक बजे उतो टुर पियाँ इतना कर वल जल्दी आ गया। तो अगो डिठे मैं बंदा है कह नहीं उन्हें पता किते ते एक बंदा खड़ा ही उन्हें आखे कि जुम्मा इतना 2 बजे थी। तो हूँ मैं हिंगल वापस हटा वा, एक दोस्त ने फोन किते कि तू कितना है आ दही बल्ले खावन जलू, तो हूँ को मैं स्टोरी सुनाई मी, तो हूँ को मैं कि तू इत ही किरा पिया, तो हूँ वो इत ही किर आंदा पे। एक दोस्त कौन मैं सडे देखो आंदे या नहीं आंदा, उनको आख्या तो एमी कि मैं इतना कर खड़ा तू आ पिया वाल जुलदे हैं, तो हूँ आके मैं आंदा पियाँ, तो मैं हूँ उनका इंतजार खड़ा करे ना। वैसे बई गल तो कड़ा सके अज मेरे नाल बाण सीन गए, असा लोगों नाल सीन करे ने, अज एक चूहर ने मेरे नाल सीन कर दिए, कमाल नहीं। 10-15 मिनट सफ़र करने के बाद मैं पहुँच चुका पुल शमसाबाद, इतों के रूने को ऑर्डर दिते कि 2 प्लेटा दही बल्ले ने बनाओ 100-100 रुपया दें, तो वो भाई ने आके मैं बना देना, तो दही बल्ले आवेदन तो वाल खाने। फाइनली दही बल्ले आ चुके तो असा इन्हें खा के रवाना थी ने, जुम्मा भी पढ़ने, तो तुसा माहौल चेक करो साडा निका जड़ा एक चौक है उत्ता कर मगी आखना। फाइनली दोस्तों जुम्मा नमाज पढ़ के दही बल्ले खा के फारग थी कि मैं पहुँच चुका अपने इलाके दे विच, और इन जगह पर मैं आखना तो इतना कर सोलर सिस्टम लगा पे, तो स्विमिंग पूल का निज़ाम भी है, तो आपको नज़र आता पी पिछ बैकग्राउंड के इतना कर पहले गर्मियों के स्विमिंग पूल बनाया वे, फिलहाल भी स्विमिंग पूल ही है, सर्दियों तो ये यूज़ कह नहीं थी पे साफ जाहिर है, सर्दियों के धावन कोई ना सी ना, तो इनकी हालत देखो वाली बेकार लगी पी, लेकिन जब गर्मी आवे सन तो कुछ साफ सुथरा करके काबले इस्तेमाल बनाया वे। ये मोटर का पानी वे 18 तो 20 तकरीबन प्लेटा लगियां पानी, थोड़ा गर्म आता पे यार, पानी बहुत गर्म ही है। अच्छा
नलके का पानी गर्म कह नहीं वो फुल ठंडा है। मैं हमने थाना ना जुम्मे वास्ते तो पानी फुल ठंडा है। तो ये तो माहौल देखो किमें 18 to 20 प्लेट हैं तकरीबन और ये VIP लग जा मैंने तो इन्हें का निज़ाम बड़ा VIP है। मेरा नहीं वे मत आखो भी यही नहीं चक्की का सिस्टम भी है तो इनका बोर्ड का सिस्टम भी है। वस्ती का एक हमसाया उन्हें मत आखो भी यही हैरान थी वो। उम्मीद करें ना आज दी वीडियो मेरे भिरावां को चंगी लगी हो सी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी होवे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करे सो ते बेल आइकन को प्रेस करके आल ते क्लिक करे सो ताकि जेड़ी वीडियो बनावा तुहाडे कोल ट्रैक पहुँचे। तो आज दी वीडियो तक करें दे पेंड मिल सो अगली वीडियो इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़।